हम बात कर रहे हैं जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रा की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो बड़ी गिरावट स्टॉक में देखने के लिए मिली है। 5% तक का फॉल स्टॉक ने दिखाया है। इससे पहले जब स्टॉक इस रेंज में ट्रेड हुआ करता था, हमने डिस्कस किया था कि अगर बाउंस बैक करके 100 का लेवल ब्रेकआउट करता है तो वैसे कंडीशन में अपसाइड दिखा सकता है। मेजर रेजिस्टेंस है इसका ब्रेकआउट, इम्पॉर्टेंट है लगातार तेज़ी के लिए। लेकिन चार्ट पैटर्न पर देखिए, एक जंप आया, 100 के लेवल से रिजेक्शन फेस किया, अगेन गिरावट, बाउंस बैक हुआ, रिजेक्शन फेस किया, अगेन जंप, और इस बार जब गिरावट आई है तो अपने सपोर्ट लेवल को यानी 92 का जो सपोर्ट लेवल था इसको नीचे की ओर ब्रेक डाउन करते नज़र आ रहा है। इस वक्त अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट के आसपास है 90 का लेवल। हमने इस बात को भी डिस्कस किया था कि जब तक 90 के ऊपर है जीएमआर में अपसाइड के चांस बने हुए। अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट के आसपास ही स्टॉक हमको नज़र आ रहा है, लेकिन स्टॉक गिरावट दिखा रहा है। बड़ी गिरावट लास्ट ट्रेडिंग डे में भी दिखाई थी, 5% तक का फॉल हमको स्टॉक ने दिखाया था। तो ऐसे कंडीशन में अब हमको यहाँ थोड़ा सा इंतज़ार करना ठीक रहेगा। इंतज़ार इसलिए क्योंकि स्टॉक में बड़ी गिरावट दिखाई है और लगातार गिरावट में है स्टॉक। देख सकते हैं जंपर अपने हाई को ब्रेकआउट नहीं कर रहा, रिजेक्शन फेस कर रहा है स्टॉक और गिरावट दिखा रहा है। तो अब यहाँ थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। गिरावट आती है तो 90 का लेवल से अगर सपोर्ट लेकर बाउंस बैक होता है इसके आसपास से, तो वैसे कंडीशन में पहले जहाँ सपोर्ट लिया करता था 94 का लेवल, एटलीस्ट इस लेवल को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर सस्टेन होने देना है, क्योंकि स्टॉक जंप पर रिजेक्शन ले रहा है। अगर जंप आता है 94 के लेवल से रिजेक्शन लेता है तो वैसे कंडीशन में 90 का भी लेवल ब्रेक डाउन कर सकता है। इसीलिए 94 के लेवल को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर सस्टेन होने देते हैं। अगर सस्टेन हो जाता है 94 के ऊपर तो अगेन 100 तक का जंप दिखा सकता है, लेकिन 100 का लेवल मेजर रेजिस्टेंस है। जब तक इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करता तब तक आप साइड में हमको और बड़ा मोमेंटम देखने के लिए नहीं मिल सकता। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, हम कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहे। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।